देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं, जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने यह वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा।